बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आई हो कि ये वाली कहानी भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो ध्यान से सुनिए और अच्छे से देखिए, ठीक है? कहानी का नेम है लालची दुकानदार। तो बच्चों, एक गांव में एक दुकानदार रहता था। वो दुकानदार पुराने गहने और पुराने बर्तन लेकर नए गहने और नए बर्तन बेचता था, ठीक है? तो उसी गांव में एक छोटी सी लड़की थी। उसने उस दुकानदार के पास एक अच्छा सा कंगन देखा, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं थे। उसने सोचा, मैं कंगन कहाँ से लूंगी? फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे घर में एक पुराना बर्तन पड़ा हुआ है, एक पुरानी थाली, मैं उसको बेचकर इस दुकानदार से एक कंगन खरीद लूंगी। घर गई, उसने अपनी दादी से कहा, दादी दादी, मैं अपने लिए कंगन खरीदना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो, आज्ञा में अगर आप चाहो तो जो हमारे घर में पुरानी थाली पड़ी है ना, मैं उसे बेच के अपने लिए एक सुंदर सा कंगन खरीद लूँ। तो दादी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपने लिए कंगन खरीद लो, तुम उस थाली को लेकर जाओ दुकानदार के पास। तो वो लड़की थाली को लेकर दुकानदार के पास गई। तो बच्चों, पता है जो थाली वो लड़की दुकानदार के पास लेकर गई थी वो किसकी थी? वो सोने की थी। मींस वो बहुत ही ज्यादा पैसों में जाती, सोना बहुत महंगा होता है, ठीक है? तो वो जो थाली लड़की लेकर गई वो सोने की थी। अब उस लड़की ने दुकानदार से कहा, दुकानदार अंकल जी, ये थाली लेकर प्लीज मुझे करा दे दीजिए कंगन। तो वो दुकानदार क्या था, लालची। उसने मन में सोचा, ये तो सोने की थाली है, ये तो बहुत ही कीमती है। उसने क्या किया, उसने उस लड़की से झूठ झूठ बोल दिया कि अरे बेटा, ये थाली तो कुछ काम की भी नहीं है, तुम इसे घर लेकर जाओ, ये कुछ काम की नहीं है, तुम्हें कंगन नहीं मिल सकता। पता है उसने ऐसा क्यों बोला? ताकि ये मुझे ये थाली मुफ्त में दे जाए और मेरे बहुत सारे पैसे बन जाए। वो लड़की अपना सा मुंह लेकर घर चली गई। उसने दादी से कहा, दादी दादी, दुकानदार ने तो कहा कि ये थाली बिल्कुल भी काम की नहीं है। फिर एक दिन बीता, दो दिन बीता, लड़की ऐसी उदास बैठी थी। क्यों? क्योंकि उसे तो अच्छा वाला कंगन लेना था ना अपने लिए। हाँ, तो फिर एक दिन, दो दिन, तीन, चौथे दिन फिर एक दूसरा दुकानदार उस गांव में आया। वो भी पुराने गहने और पुराने बर्तन लेकर नए गहने और नए बर्तन देता था। तो फिर दादी और लड़की दोनों के दोनों उस बर्तन वाले के पास गए। उन्होंने वो वाली थाली जो कि सोने की थी उस दूसरे दुकानदार को दिखाई। फिर उसने देखा, उसने कहा, अम्मा, ये थाली तो बहुत महंगी है, ये तो सोने की है, आप ऐसा करो, ये थाली आप ले जाओ, ये थाली मुझे दे दो, और इसके बदले में अपने ठेले के सारे बर्तन और जितने भी गहने हैं मैं सारे आपको दे दूंगा। तो बच्चों, फिर उस दुकानदार ने वो थाली ले ली और दादी ने और उस लड़की ने वो सारे गहने और बर्तन अपने पास रख लिए। और वो लड़की जिसे कंगन चाहिए था ना, वो बहुत खुश हो गई। क्यों खुश हुई? क्योंकि उसे तो उसका मन पसंद वाला कंगन मिल गया था। जब आपको आपके मम्मी पापा कोई परिवार का कोई अच्छी चीज दिलाता है, आपकी फेवरेट, आपका फेवरेट टॉय दिलाता है, तो आप भी तो खुश होते हो ना। हाँ, तो उस लड़की को भी कंगन मिल गया था, तो वो भी बहुत खुश हो गई। तो बच्चों, फिर एक दो दिन बाद वही जो पहला वाला दुकानदार था, जो बहुत लालची था, वो फिर उस गांव में आया। उसने कहा, आज तो ये मुझे थाली मिल जाएगी। तो फिर उसने कहा कि वो उनके घर पे आया, उसने कहा, आपकी वो थाली कहाँ है, उसे फिर दिखाना जरा। तो दादी को बहुत गुस्सा आया कि इसने तो हमें बेवकूफ बनाया था ना, उल्लू बनाया था, झूठ हमसे कहा था। तो दादी ने कहा कि तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हारे अंदर बहुत लालच भरा हुआ है, हमने तो वो थाली कब की बेच के बहुत सारे बर्तन और बहुत सारे गहने खरीद लिए। पर वो जो लालची दुकानदार था वो अपना सब मुंह लेकर वहाँ से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, जितना भी हमें मिले हमें उसी में संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है बच्चों? आप भी किसी चीज की जिद नहीं करोगे ना, जितना आपको मिलता है उतने में ही आप तसल्ली रखोगे, उतने में ही आप हैप्पी रहोगे, ठीक है? तो बच्चों, आपने कहानी ध्यान से सुनी, आपकी समझ में आई, तो अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है? हमारा पहला क्वेश्चन है, कहानी का नाम क्या था?
बताओ बताओ। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा दुकानदार लालची था, पहला वाला या दूसरा वाला। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आपको अच्छे से कहानी देखकर और सुनकर दोनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं और इंजॉय के साथ ये कहानी सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है,